लिखती हूँ, मेरा तारो। मेरा तारो, मेरा तारुफ की आज हम नेक्स्ट लाइंस राइट करेंगे। लाइन नंबर अल्लाह ताला में नहीं लिखते, आयन लिफा वो लिखो। लाइन नंबर 7 से आज हमने स्टार्ट करना है। देख लो अब सारा वाक्य लाइन के ऊपर है क्या, क्यों अब लाइन के मैं हर रोज कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। ये जो स्टूडेंट है वो आपको बता रहा है, ये लड़का बता रहा है कि मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। मैं हर रोज कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। और अगर लड़की है, गर्ल्स अपने लिए लिखेंगी करती, करता की जगह वो करती लिख देंगी, ठीक है। ये मैंने लफ्ज ब्रैकेट में लिख दिया है। उसके बाद है, ये लड़का आपको बताएगा कि मैं किस चीज से खेलता हूँ। मैं डैश से खेलता हूँ, ये कह रहा है कि मैं गेंद से खेलता हूँ। आप जिस जिस चीज से खेलते हैं आप वो लिखेंगे। मैं गेंद से खेलता हूँ। और लड़कियां जो हैं वो ऑलमोस्ट गुड़िया से खेलती हैं, तो लड़कियां अपने लिए इस्तेमाल करेंगी गुड़िया। मैं गुड़िया से खेलती, लड़के ने अपने लिए वर्ड खेलता यूज किया, तो लड़की अपने लिए वर्ड खेलती यूज करेगी। काफ है ये लाम ते छोटी ती, खेलती। मैं गुड़िया से खेलती हूँ, मैं गेंद से खेलता हूँ। उसके बाद है, मैं डैश शौक से खाता हूँ। ये बता रहा है कि मैं बिरयानी शौक से खाता हूँ, तो आप जो भी शौक से खाते होंगे वो लिखें। अगर आप बिरयानी ही शौक से खाते हैं तो आप बिरयानी लिखें। मैं बिरयानी शौक से खाता हूँ, और लड़कियां लिखेंगी खाती हूँ। उसके बाद है, मैं बड़ों का अदब करता हूँ। मैं बड़ों का अदब करता हूँ। लड़कियां लिखेंगी करती हूँ। उसके बाद है लाइन नंबर 11, द लास्ट लाइन। मैं अपने खानदान से प्यार करता हूँ। मैं अपने खानदान से प्यार करता हूँ, और लड़कियां लिखेंगी करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू राइट योर वर्क वेरी नीट। आपकी राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए। सब बच्चे नीट नीट हैंड राइटिंग में मजमून मेरा तारुफ में।